नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी तक जितना भी इस टाइप में हमने पीछे क्वेश्चन किया है, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं पीछे वाले से थोड़ा बहुत अब क्वेश्चन अलग होने लग जाएगा। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि आर्टिकल्स को एक ही बार सेल करवाया जाता था। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, आर्टिकल्स को आपको दो दो बार सेल करवाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो जाएगा। हमने पीछे जितना भी अभी तक क्वेश्चन किया है, हमने ये बताया था कि उसमें दो तरीका हमने बताया था कि दोनों तरीका से क्वेश्चन को कर सकते थे। उसमें हमने ये बताया था कि कहीं कहीं पे फर्स्ट वाला मेथड इजी पड़ जाएगा, कहीं कहीं पे सेकंड वाला मेथड इजी पड़ जाएगा। जहाँ पे जिस मेथड का ज़रूरत था उस हिसाब से हमने क्वेश्चन किया। शुरुआत में जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो पहला वाला मेथड से हमने क्वेश्चन शुरू किया था करना। फिर धीरे धीरे आते आते आगे जब हम आए तो उस पर हम दूसरा वाला मेथड से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए थे। ये जो हम क्वेश्चन करेंगे अब, ये क्वेश्चन भी हमारा दोनों मेथड से बनेगा। लेकिन अगर इसमें भी अगर हम पहला वाला मेथड लगाएंगे तो होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा वाला मेथड से भी बनेगा लेकिन क्वेश्चन उससे होगा क्या, थोड़ा बहुत लंबा चला जाएगा, एक दो स्टेप लंबा जाएगा। तो हमें पहला वाला मेथड ही यूज करना है इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा उसी तरह का है, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन के लैंग्वेज से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपके लिए, लेकिन तरीका वही है। अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये लगेगा कि पहले जिस तरह का क्वेश्चन करते थे उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो आपको अभी करना क्या है कि मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से आपको पढ़कर समझना है पहले कि क्वेश्चन बोल क्या आ रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग करना है क्वेश्चन में। एक बार अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो एक बार आप लोग पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो दो तरह का आर्टिकल सेल करता है, एक टेबल है और दूसरा चेयर है। सेल कैसे करता है इस चीज़ों को समझिए। बोल रहा है टेबल को अगर वो 25% प्रॉफिट पे सेल करता है और चेयर को 20% लॉस पे सेल करता है, तो इस तरीके से सेल करने पे जितना भी टोटल ट्रांजेक्शन होता है उस टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे क्या होता है, 18 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। फिर दूसरे बार भी सेल करता है, यानी दूसरे तरीका से भी वो सेल करके देखता है। कैसे, बोल रहा है अगर टेबल को 20% लॉस पे सेल करे और चेयर को 25% प्रॉफिट पे सेल करे, और इस तरीके से सेल करने पे टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे क्या होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि टेबल का प्राइस कितना है और चेयर का प्राइस कितना है, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करना है क्वेश्चन को, शुरुआत कैसे करना है, इस चीज़ों को समझना है। एक बार हमें फर्स्ट लाइन को अभी नहीं देखना है, जो सेकेंड वाला लाइन है जिसमें यह बोला जा रहा है कि टेबल को 20% लॉस पे सेल किया जाता है और चेयर को 25% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो इस कंडीशन में टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे क्या होता है, ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक आर्टिकल्स पे उसे जितने का प्रॉफिट हुआ दूसरे आर्टिकल्स पे क्या हो जाएगा, उसे उतना ही का लॉस होगा। तभी तो जाकर टोटल पे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। इसका मतलब जो टेबल पे 20% लॉस पे सेल कर रहा था, यानी टेबल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 20% जो लॉस हुआ होगा, जितने रुपया का लॉस होगा वो वैल्यू, और चेयर को जो 25% प्रॉफिट पे सेल कर रहा होगा तो चेयर का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 25% निकालेंगे और वो जो प्रॉफिट हुआ होगा जितने रुपया वो वैल्यू, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तभी तो जाके आपस में क्या होगा, मैनेज हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, जितना का प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही का लॉस हो जाएगा, तब जाके हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें यहाँ से शुरुआत करना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, यूनिट में, वैल्यू में नहीं। और यहीं से फिर आगे हम क्वेश्चन को आगे प्रोसेस करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, हम ऐसा मानकर चलते हैं जो टेबल का कॉस्ट प्राइस है ₹T है और जो चेयर का कॉस्ट प्राइस है ₹C है। ऐसा मैंने मान लिया, टेबल का कॉस्ट प्राइस टी, चेयर का कॉस्ट प्राइस सी, ऐसा हमने माना। अब देखिए इस पे जितना का प्रॉफिट, ये टेबल को बेचते समय क्या होता है, 20% का लॉस होता है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका 20% हमने निकाल दिया, इतना ही का लॉस होता होगा। और चेयर का जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे 25% का प्रॉफिट होता है, उसका हमने 25% निकाल दिया। तो इस पे जितना प्रॉफिट होता है वो
ये इस पे जितना लॉस होता है वो और इस पे जितना प्रॉफिट होता है वो दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी जाके ये मैनेज हो जाएगा। और फाइनली क्या बन जाएगा, ना कोई प्रॉफिट बनेगा ना कोई हमारा लॉस बनेगा। तो इसका मतलब इसका 20% का जो वैल्यू होगा वो और इसका 25% का जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को इक्वल कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो समझिएगा ये 4 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो टेबल यानी टेबल का कॉस्ट प्राइस और ये चेयर का कॉस्ट प्राइस, सी को हम नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ऊपर में ही रहने दिया और 4 इस तरफ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए टी का वैल्यू आ गया 5 यूनिट, सी का वैल्यू आ गया 4 यूनिट। टी और सी को हमने माना क्या था, टेबल का कॉस्ट प्राइस था ये और ये चेयर का कॉस्ट प्राइस था। यानी इसका जो वैल्यू आया 5 यूनिट 4 यूनिट, इसका मतलब ये हुआ कि टेबल का कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट आ गया और चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। अब आइए फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि अगर जो टेबल का जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा समझिएगा उस पे 25% का प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका 25% हम निकालेंगे। और फिर जो चेयर का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उस पे 20% का लॉस हो रहा है, तो इसका जितना भी 20% होगा वो लॉस निकालेंगे। और दोनों को देखेंगे कि कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, वहाँ पे हम फाइनली देखेंगे कि फाइनली हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ें हम निकालेंगे। समझिएगा, देखिए इसका अगर 25% प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका 25% निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर डेसिमल में चीज़ें आने लग जाएगा जो कि हमें कैलकुलेशन को कैलकुलेटिव कर देगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं। अब देखिए इसका 25% अगर निकालते हैं फिर भी डेसिमल में आएगा तो एक जीरो और लगा देते हैं, अगर ऊपर दो जीरो लगाए तो नीचे भी दो जीरो लगाएंगे, तब जाके हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कट ही जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे 5 यूनिट और 4 यूनिट था कॉस्ट प्राइस, उसको हमने कितना बना दिया, 500 यूनिट और 400 यूनिट कॉस्ट प्राइस बना दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ें प्रॉफिट निकाल रहा हूँ इसका, कि ये 25% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, ये प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो इसका 25% निकलेगा, कितना निकलेगा, 20% 100 और 5% 25, यानी 125 यूनिट का क्या हो रहा है। इसको बेचने पे, टेबल को जब बेचा जाता है तो वहाँ पे अगर ये प्राइस हम रखते हैं दोनों आर्टिकल्स का, टेबल और चेयर का, तो इस पे इसे 25% का प्रॉफिट होता है फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब यहाँ से 125 यूनिट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब इसको सेल किया जाता है तो लॉस होता है, कितने का, तो आप कहेंगे 20% के लॉस पे सेल किया जाता है। तो इसका 20% कितना, तो आप कहेंगे 80, यही बन जाएगा। यानी टेबल को 25% प्रॉफिट पे सेल करने पे 125 यूनिट का प्रॉफिट, चेयर को 20% अगर लॉस पे सेल करते हैं तो 80 यूनिट का क्या होता है, लॉस होता है। अगर फाइनली देखा जाए टोटल तो इतना का प्रॉफिट होता है इतना का लॉस होता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारा क्या बच जाएगा, कितने टोटल यूनिट का प्रॉफिट होता है वो चीज़ आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसमें से इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना बन जाएगा, 45 यूनिट। यानी फाइनली यहाँ पे कितने यूनिट का प्रॉफिट हो गया, 45 यूनिट का। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 रुपीज का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ से हमने निकाला है 45 यूनिट का प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन बोल रहा है 18 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो 45 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 18 रुपीज, ऐसा ही बनेगा। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 18/45, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 रुपीज इतना बन जाएगा। आपको निकालना क्या है, टेबल का कॉस्ट प्राइस और चेयर का कॉस्ट प्राइस। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया था, 500 यूनिट, तो 500 का अगर वैल्यू निकालते हैं तो कितना बन जाएगा भाई, 2/5 इंटू का 500, ऐसा ही बनेगा। 5 से काटेंगे 100, ये कितना बन जाएगा, 200 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, किसका, आपका टेबल का। चेयर का कॉस्ट प्राइस अगर देखा जाए तो 400 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 2/5 इंटू का 400, इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसे काटेंगे 8/160 रुपीज। यानी जो टेबल का जो कॉस्ट प्राइस था वो था 200 रुपीज और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस था 160 रुपीज था। हमें क्वेश्चन को सेकेंड वाला लाइन से शुरू करना है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, वहाँ से हमें टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो निकल जाएगा। इस रेशियो को हम अपने हिसाब से कुछ भी 0-0 लगाकर हमने एक्स्ट्रा चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं चाह रहे थे कि डेसिमल में आए कुछ,
कैलकुलेशन, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे जीरो जीरो लगाया। फिर जो फर्स्ट लाइन बोल रहा था कि अगर 25% प्रॉफिट पे टेबल को और 20% लॉस पे चेयर को अगर बेचा जाए तो 18 रुपीज का प्रॉफिट होता, हमने जो निकाला यहाँ से 45 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने कंपेयर करके सारा वैल्यू आपको निकाल के रख दिया। तो क्वेश्चन को देखिए इसी हिसाब से हमें करना है अब आगे। पहले वाले सेल ये जो सेकंड लाइन में सेल कर रहा है उससे हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेना, फिर फर्स्ट वाले जो लाइन बोल रहा है उससे हमें टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको बनाना है। तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज कर रखा है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो टेबल और चेयर को सेल करता है। तो टेबल को जो सेल करता है तो बोल रहा है 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, और चेयर को जो सेल करता है तो 12% लॉस पे सेल करता है। और इस तरीके से सेल करने पर उसे टोटल ट्रांजेक्शन पे 540 रुपीज का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर टेबल को 12% लॉस पे सेल करे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे सेल करे, तो इस तरीके से सेल करने पे टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे ना कोई प्रॉफिट होता है और ना ही उसे कोई लॉस होता है। तो आपसे क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि आप ये बता दीजिए कि टेबल का प्राइस कितना है और चेयर का प्राइस कितना है, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए हमें वही चीज़ें निकालना है सेकेंड वाला लाइन, कि अगर टेबल को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है तो ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। इसका मतलब टेबल को जब सेल करता है तो जितने का लॉस होता है वो वैल्यू, और चेयर को जो सेल करता है जितने का प्रॉफिट होता है वो वैल्यू, आपस में इक्वल होगा। तभी तो जाके एक पे जितने का लॉस हुआ दूसरे पे उतना ही का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो टेबल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 12% और चेयर का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 15% आपस में इक्वल होगा। वही चीज़ें हम करेंगे और वहाँ से हमें दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो टेबल का कॉस्ट प्राइस हमने माना 10 रुपीज, इस पर 12% लॉस पे सेल कर रहा है तो इसका 12%। चेयर का कॉस्ट प्राइस माना हमने 0 रुपीज और इस पर 15% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है इसका 15%। इसका 12% का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ों को इक्वल कर दिए। तो यहाँ से अगर मैं T/C टी को हमने यहीं पे रखा, सी को अगर इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से देखें तो ये 3 से कटेगा, ये 4 और ये बन जाएगा आपका 5, यानी 5 इधर ही रह जाएगा और 4 इस तरफ आएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखिए टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। अब फिर फर्स्ट लाइन पे आइए, अगर ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, यानी ये अगर कॉस्ट प्राइस है, इसको अगर 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है टेबल को और चेयर को 12% लॉस पे सेल किया जाता है, तब जाके जो भी प्रॉफिट होता है यूनिट में वो निकालेंगे और क्वेश्चन से कंपेयर करवा देंगे कि उस हिसाब से सेल करने पे क्वेश्चन में कितने रुपए का प्रॉफिट बोल रहा है, 540 रुपीज़ का, उस यूनिट से कंपेयर करवा देंगे उसको, समझिए। तो देखिए इस पे जो हमें क्या करना है, यहाँ से 15% प्रॉफिट निकालना है। तो इसका 15% अगर निकालते हैं 5 यूनिट का तो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, पॉइंट में आने लग जाएगा आपका कैलकुलेशन, जो कि हमें करना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दिया और यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दिया। अब इसका 15% निकालना आसान है। तो देखिए इसका 15% निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा 50, 5% बन जाएगा 25, तो 75, यानी यहाँ पे इसे 75 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे 12%, तो इसका 12% कितना हो जाएगा, 48, यानी 48 यूनिट का क्या हो रहा है, इसे फाइनली लॉस हो रहा है। समझिएगा यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 15% का, और इससे हमने ये निकाला कि लॉस हो रहा है कितने का, 12% का। इस हिसाब से आर्टिकल्स को सेल किया जाता है। तो देखिए इतने यूनिट का प्रॉफिट, इतने यूनिट का लॉस, अगर फाइनली देखा जाए तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि फाइनली कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा 7, ये 6, ये बन जाएगा 27। यानी टोटल ट्रांजेक्शन पे दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए, अगर इस हिसाब से सेल किया जाता है तब के कंडीशन में क्या होता है, 27 यूनिट का फाइनली प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोला, 540 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है।
हमने निकाला 27 यूनिट का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 27 यूनिट किसके बराबर, 540 रुपीज के इक्वल है। तो देखिए वन यूनिट का वैल्यू हमें कितना निकल जाएगा, तो सीधा हमें यहाँ से ये दिख रहा है ये 20 टाइम्स है, यानी वन यूनिट का वैल्यू 20 रुपीज बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा। ये अगर 20 टाइम्स है तो हमें निकालना क्या है, 500 यूनिट का वैल्यू, यानी टेबल का कॉस्ट प्राइस। 27 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 500 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, इसका भी 20 टाइम्स ये डेटा बनेगा, तो कितना बन जाएगा इसका 20 टाइम्स बनेगा 10,000, यानी 10,000 रुपीज हो जाएगा टेबल का प्राइस। चेयर का प्राइस 400 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना है तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 8,000, ये भी 20 टाइम्स बन जाएगा, यानी 8,000 रुपीज बन जाएगा आपका। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने भर तक का देरी था, इसके बाद एक दो क्वेश्चन इस तरह का आप कर लेंगे तो फिर इजी लगने लग जाएगा क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ से ये चीज़ें निकालना है, ये चीज़ें निकालना, आंसर आ जाएगा आपका, इजीली आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आपको करना है, तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए फिर मैं बताता हूँ। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो दो तरह का आर्टिकल सेल करता है, एक बुक और दूसरा पेन। बोल रहा है बुक को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 9% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स को प्रॉफिट पे ही सेल किया जाता है, और इस तरीके से जब सेल करता है तो उसे 1,060 रुपीज का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर बुक को 16.3% प्रॉफिट पे सेल करे और पेन को 11.19% लॉस पे अगर सेल करता है, तो इस तरीके से सेल करने पे टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे क्या होता है, ना कोई प्रॉफिट ना ही कोई लॉस होता है। तो इस लाइन से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इस सेकेंड वाले लाइन से। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बुक और पेन का आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए कि उसका प्राइस कितना है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझना है एक बार। देखिए उससे पहले मैं एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बता रखा हूँ बहुत बार, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। मैं बोलता हूँ जैसे मान लीजिए कोई ए है, इसका अगर मैं 20% का वैल्यू निकालूँ, समझिएगा, और बी है, इसका 25% का मैं वैल्यू निकालूँ, मैं बोलता हूँ दोनों इक्वल है, ऐसा मैंने किया, तो ए और बी का अगर रेशियो निकालूँ तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 5, यानी इधर 5 ही रह जाएगा और इधर 4 आ जाएगा, ऐसा कुछ बन के आएगा, ऐसा ही आएगा। मैं बोलता हूँ आपको अब कि ए है जो 20% आपने परसेंटेज में लिखा है, उस चीज़ों को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5, और यहाँ पे जो बी है उसका 25% निकाला, उसको फ्रैक्शन में आप लिखो, यानी बी का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/4। तो देखिए ए को हमने यहीं पे रहने दिया, बी को हमने इधर ले आया, ये 5 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। देखिए ये दोनों चीज़ें हमारा सेम आ रहा है, इस चीज़ों को मैं या तो परसेंटेज में लिखूँ या फिर फ्रैक्शन में लिखूँ, जो फाइनली इस चीज़ों का रेशियो बनेगा हमारा वही चीज़ें बनेगा। ये तरीका हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 16.3% यूज किया हुआ है और 11.19% यूज किया हुआ है, तो उस चीज़ों को हम फ्रैक्शन में ही यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए आप लोग आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझिए यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो बुक है उसको सेकेंड लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे दोनों का कॉस्ट प्राइस का क्या करना है, रेशियो निकाल कर लाना है सेकेंड लाइन से। तो बुक का जो कॉस्ट प्राइस है मैंने माना 2 रुपीज, और जो पेन का कॉस्ट प्राइस है उसको मैंने माना 2 रुपीज। बुक को जब सेल किया जाता है कितने पे, 16.3%, समझिएगा, तो इसका जो भी 16.3% का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, पेन का जो 11.19% का जो वैल्यू होगा उसके, तभी तो इस पे जितना प्रॉफिट हुआ और इस पे जितना लॉस हुआ दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी जाके हमारा क्या होगा, ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करना आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इस चीज़ों को फ्रैक्शन में ही लेकर आ जाते हैं, बी इंटू 16.3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/6 इक्वल्स टू, जो पेन है इसका 11.19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/9। इसे जब रेशियो बनाएंगे तो B को यहीं पे रहने देंगे, P को हम नीचे ले आए, ये 6
इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं काट भी दूंगा, ये टू बन जाएगा, थ्री से काटेंगे तो ये थ्री बन जाएगा, यानी ये टू ऊपर थ्री नीचे हो जाएगा। तो टू ऊपर और ये थ्री नीचे आया, ऐसे आ गया। अब जो बुक और पेन का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया वो कितना आ गया, टू बाई थ्री, टू इज टू थ्री का रेशियो आ गया। अब फिर इसको सेल करते हैं फर्स्ट वाले लाइन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है, इसका 13% प्रॉफिट लिया जाता है बुक पे, और पेन पे क्या होता है 9% का भी प्रॉफिट लिया जाता है। इस पे दोनों पे प्रॉफिट लिया जाता है, और इस तरीके से जो प्रॉफिट होता है वो चीज़ें हम निकालेंगे। तो देखिए इसका 13% निकालना मुश्किल है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों पे दो जीरो लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो जीरो लगा देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो बुक का जो कॉस्ट प्राइस हुआ 200 यूनिट और पेन का जो कॉस्ट प्राइस हुआ वो 300 यूनिट बन के आ गया। अब देखिए फर्स्ट वाले लाइन के अकॉर्डिंग जो बुक को सेल किया जाता है तो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, 13% प्रॉफिट पे। तो इसका हम प्रॉफिट निकाल लें, इसका 13% कितना बनेगा, तो इसका 13% बन जाएगा आपका 26, और इसको जब सेल किया जाता है तो इसको 9% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, यहाँ पे भी प्रॉफिट पे ही सेल किया, तो इसका 9% कितना बन जाएगा, 27, इतना ही बन जाएगा। अब इस दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है फाइनली, तो ये भी प्रॉफिट हो रहा है और ये भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके देखेंगे कि टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5, यानी 53 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है 1060 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो 53 यूनिट का वैल्यू 1060, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 20 रुपीज़ बन जाएगा, यानी ये इसका 20 टाइम्स है, ऐसा ही है कुछ। तो हमें निकालना क्या है, बुक का कॉस्ट प्राइस, यानी 200 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 200 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 20 टाइम्स बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 4000 ये बन जाएगा, 4000 रुपीज़। फिर निकालना है पेन का कॉस्ट प्राइस, यानी 300 यूनिट का वैल्यू, तो ये बन जाएगा कितना, 6000 आपका बन जाएगा इसका वैल्यू। यानी बुक का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो 4000 था, और पेन का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, 6000 था, यही आपका आंसर था। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब देखिए, अब जो हम क्वेश्चन पे आएंगे वो क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा अलग चेंज कर देगा। उसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि एक बार जब सेल कर रहा था दोनों आर्टिकल्स को तो कुछ रुपया का प्रॉफिट हो रहा था, वो चीज़ें दे रहा था। फिर जब दूसरे बार आर्टिकल्स को जब सेल किया जाता था तो क्या होता था, ना कोई प्रॉफिट होता था और ना ही कोई लॉस होता था, इस तरह का क्वेश्चन था। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें क्या बोलेगा कि एक बार जब सेल किया जाएगा तो कुछ रुपये का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा, लेकिन हाँ बोलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है। फिर जब दूसरे बार सेल करेगा तो बोल देगा कि पहले से इतने रुपये अधिक प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बोलेगा कि दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताइए, या फिर आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उस तरह का क्वेश्चन होगा, उसको बनाना है आपको। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो दो साइकिल खरीद कर लाता है, कितने में, 1600 रुपीज़ में, यानी दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस आपको बता रखा है कि दोनों साइकिल का जो कंबाइंड में कॉस्ट प्राइस है कितना है, 1600 रुपीज़ है। इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो साइकिल को सेल भी करता है, किस हिसाब से सेल करता है इसको समझिए। बोल रहा है कि वो एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है और दूसरे साइकिल को 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, और इस तरीके से जब सेल करता है तो उसे कुछ रुपये का प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है वो चीज़ें नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ बोल रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे होता है उसे। फिर ये साइकिल को दूसरे तरीके से भी सेल करता है, कैसे, बोल रहा है कि पहले वाले साइकिल को ये क्या कर रहा है कि 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, और जो दूसरे वाला साइकिल है उसको अब 10% प्रॉफिट लेकर सेल करता है। तो बोल रहा है पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था, यानी पहले वाले कंडीशन से जो सेल कर रहा था उससे जितना भी प्रॉफिट हो रहा था, इस वाले कंडीशन में अब पहले वाले से 5 रुपये अधिक प्रॉफिट होता है। तो आपसे क्वेश्चन आगे ये पूछ रहा है कि दोनों साइकिल का आप कॉस्ट प्राइस बताइए अलग अलग, कि दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है, इसी चीज़ों को करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार डिटेल से बताता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को मैं डायरेक्ट बनाना सिखा दूंगा। तो पहले आपको डिटेल से इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझिएगा कैसे मैं करता हूँ। क्वेश्चन को शुरुआत हम कैसे करेंगे इस चीज़ों को समझिएगा, हम उसी तरीके से दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। हमने ऐसा मान लेते हैं हम कि पहले वाले साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस होगा C1 होगा,
दूसरे वाले साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस उसको हमें मान लेता हूँ सी टू होगा, यानी पहले वाले साइकिल का कॉस्ट प्राइस सी वन, दूसरे वाले साइकिल का कॉस्ट प्राइस सी टू, दोनों को अगर सम करेंगे तो दोनों साइकिल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो चीज़ें निकल के आएगा। और ये चीज़ें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1600 रुपीज़ ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, यानी सी वन प्लस सी टू का वैल्यू ये चीज़ें क्वेश्चन में दे रखा है। अब समझिए यहाँ पे बोल रहा है पहले वाले साइकिल को, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग पहले वाले साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% का वैल्यू निकालेंगे। दूसरे वाले साइकिल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो इसको 20% इसका 20% निकालेंगे। तो पहले वाले साइकिल से जो प्रॉफिट आया वो और दूसरे वाले साइकिल से जो प्रॉफिट आया है वो दोनों को मिलाकर कंबाइंड में कितना प्रॉफिट बना वो चीज़ें निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये चीज़ें बोल रहा है कि इस तरीके से सेल करने पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ हमें नहीं बताया गया है, तो हमने मान लिया कि पी रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इस ये प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट मिलाकर पी रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। फिर समझिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस चीज़ों को उल्टा करके दे दे रहा है, यानी पहले वाले साइकिल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, यानी पहले वाले साइकिल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 20% निकालेंगे, प्लस दूसरे वाले साइकिल को 10% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, यानी दूसरे वाले साइकिल का जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 10% निकालेंगे। और ये दोनों प्रॉफिट मिलाकर अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो पहले बोल रहा है कि पहले वाले कंडीशन में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे ये 5 रुपीज़ अधिक हो रहा है, तो यानी पहले वाले जो प्रॉफिट हो रहा था पी रुपीज़ वो तो होगा ही, प्लस 5 रुपीज़ क्या हो रहा है एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ बन के आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हमें सी वन सी टू का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ों को समझिएगा, सेकेंड वाले ये वाले इक्वेशन में से ये चीज़ों को माइनस कर दे रहे हैं, तो एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये यानी इसमें से इसको हम घटा दे रहे हैं। तो देखिएगा इसमें से इसको जब घटाएंगे तो C1 into 20 में से 10 घटेगा तो कितना बन जाएगा, 10% बन जाएगा माइनस का। देखिएगा C2 10% C2 20% इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, C2 का 10% बन जाएगा, यही चीज़ें आ जाएगा। और इक्वल्स टू यहाँ पे भी माइनस है तो ये चीज़ें तो कट ही जाएगा, कितना बन जाएगा 5 रुपीज़ बन जाएगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 10% को मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा C1 माइनस C2 ऐसा ही बनेगा, इक्वल्स टू कितना बनेगा 5 बनेगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर आगे, देखिए यहाँ पे 10% है तो 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10/100 यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज वैल्यू को ब्रेक करता हूँ तो 10 ऊपर 100 नीचे, डिवाइड करेंगे तो 1/10 बचेगा यहाँ पे, तो 1/10 हमने यहाँ पे लिखा, इधर आ जाएगा C1 माइनस C2 इक्वल्स टू कितना 5, तो C1 माइनस C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 उस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 50 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। तो देखिए दो इक्वेशन आपका बन किया गया, एक C1 प्लस C2 ये वैल्यू आया और एक C1 माइनस C2 ये वैल्यू आया, तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया ही रहेगा, ये चीज़ें हमें निकालना, और इसी चीज़ों को निकालने के लिए हमें ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। हाँ आगे चल के मैं ये चीज़ें आपको, ये जो लाइन हमने निकाला है ये इक्वेशन, ये चीज़ें मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, लेकिन पहले एक बार डिटेल से समझिए। अब यहाँ से C1 और C2 का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे वहाँ ये दे रखा है 1600 रुपीज़, ऐसा ही कुछ दे रखा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को, तो ये चीज़ें कट जाएगा, 2C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1650, तो C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 825 रुपीज़, ऐसा ही कुछ वैल्यू बनेगा, यानी ये टू उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे C1 का वैल्यू आ जाएगा। C2 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू C1 का हम रख देंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ से, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे रखते हैं पहले वाले इक्वेशन में, तो 825 अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसमें से 50 माइनस हो जाएगा, C2 का वैल्यू निकल जाएगा 775 C2 का वैल्यू निकल जाएगा, यानी पहले वाले जो साइकिल था उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 825 और दूसरे वाले जो साइकिल था उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 775 रुपीज़, ये चीज़ आपका आ गया। देखिए इतना डिटेल से हमें क्वेश्चन को नहीं करना है, ये जो हमने लाइन निकाला है ये चीज़ें, इसी चीज़ों को निकालने के लिए हमें ये सब चीज़ें करना पड़ा है,
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये लाइन अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो ये लाइन तो दिया ही रहेगा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये चीज़ तो दिया ही रहेगा, यही चीज़ों को डायरेक्ट निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे इस चीज़ों को एक बार समझना है। देखिएगा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे अगर ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरे वाले आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो दूसरे लाइन में क्या करेगा, इसी चीज़ों को चेंज कर देगा, ये 20 इधर ले आएगा और ये 10 को इधर जाने देगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अगर चेंजिंग कर देता है, जैसे यहाँ पे 10 है 20 है और यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू दे देता है, तो क्वेश्चन को डिटेल से ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लंबा बन जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन क्या करता है, इसी चीज़ों को इंटरचेंज करके दे देता है और हमें इस हिसाब से करना है अगर क्वेश्चन को। तो समझिएगा, देखिए फाइनली जो ये चीज़ें निकल कर आता है, ये क्या निकल के आए, इस लाइन पे आना है आपको। देखिएगा इस लाइन पे क्या करना है, C1 पहले वाले आर्टिकल्स और दूसरे वाले आर्टिकल्स का डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट में डिफरेंस होगा वो वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे जो लिखा जाएगा ये वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा, इस चीज़ों को समझना है। देखिए इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा 20 और 10 का, उतना ही परसेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। समझिएगा ध्यान से, इस दोनों के बीच में यानी पहले वाले आर्टिकल्स को कितना परसेंट प्रॉफिट पे और दूसरे वाले आर्टिकल्स को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाता है, इस दोनों का जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे लिखा जाएगा और दोनों आर्टिकल्स का डिफरेंस लिखा जाएगा और इक्वल्स टू दोनों के प्रॉफिट में जितने का डिफरेंस होगा वो चीज़ें यहाँ पे लिखा जाएगा। बस इस लाइन पे हमें डायरेक्ट आ जाना है, यहाँ से हमें डायरेक्ट सोच लेना है। ये लाइन भी नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ये लाइन भी डायरेक्ट ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई 10% का डिफरेंस है, 10% का मतलब 1/10, यहाँ पे डिवाइड में 10 होगा उधर जाएगा, मल्टीप्लाई यानी 50 बन जाएगा, C1 - C2 कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो मैं एक क्या करके आ रहा हूँ, एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ और वहाँ पे मैं डिटेल से नहीं करूँगा, मैं ये लाइन से स्टार्ट कर दूँगा कि ये लाइन मैं डायरेक्ट लेकर आऊँगा। फिर अगर अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये चीज़ें आप, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप लेकर आ जाएंगे और ये दिया रहेगा यहाँ से डायरेक्ट, इतना ही करने से आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर और इसी तरीके से, इतना डिटेल नहीं करना, इसी तरीके से आप बनाइए एक बार। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का, डायरेक्ट आपको सोचना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई एक व्यक्ति है जो बुक और पेन को बेचने का काम करता है। बोल रहा है बुक को जब वो बेचता है तो उस पर 9% का प्रॉफिट लेता है और जब पेन को वो सेल करता है तो उस पर 13% का प्रॉफिट लेता है, और इस तरीके से जब वो सेल करता है तो उसे कुछ रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना होता है ये चीज़ें नहीं बताया है। फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पे सेल करे और पेन को 9% प्रॉफिट पे सेल करता है, तब उसे पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे अब 5 रुपीज़ क्या हो रहा है, ये 80 रुपीज़ क्या हो रहा, अधिक प्रॉफिट होगा, यानी 80 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होगा पहले वाले प्रॉफिट से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बुक और पेन का आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। लास्ट लाइन में ये भी बोल दिया है क्वेश्चन कि बुक और पेन का जो कॉस्ट प्राइस है कंबाइंड में वो चीज़ें दे रखा है कितना, 20,000 रुपीज़। देखिए तो क्वेश्चन को आगे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। बुक और पेन का, बुक प्लस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है, बुक का कॉस्ट प्राइस मैंने B माना, पेन का कॉस्ट प्राइस मैंने P माना, और ये दोनों का वैल्यू दे रखा है कंबाइंड में कितना, 20,000 रुपीज़। ये चीज़ आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों का जो कंबाइंड में प्राइस है वो 20,000 रुपीज़ है, आपको अलग अलग बताना है। देखिए हमने क्या बोला था कि फर्स्ट आर्टिकल्स में से सेकेंड आर्टिकल्स को माइनस कर देना, ऐसा ही कुछ करना है। इक्वल्स टू कितना लिखना है, भाई जितने प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, पहले जितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा अब पहले वाले से कितना अधिक प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपीज़ का, तो वो 80 यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखना होता है, तो एक को 9% और दूसरे को 13%, ऐसा ही कुछ है, एक डेटा 9% है दूसरा 13%, यानी इसी दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे परसेंटेज में लिख देना है, यानी 13 - 9 कितना हो जाएगा, 4%, तो 4% का वैल्यू आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए ये लाइन डायरेक्ट आपका आ जाएगा, हम उतना डिटेल से करें या ये चीज़ें आप अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सोच लेते हैं तो ये चीज़ें आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से 4% का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी B - P का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 80 × 25। इस दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 200, इतना ही कुछ आ जाएगा। बस ये चीज़ें निकालना है, यहाँ पे रख देना है B - P कितना आ जाएगा,
2000 नहीं, यहाँ पे 2000 आ जाएगा, 200 नहीं आएगा, 2000 ये चीज़ आ जाएगा, 2000। इसी चीज़ों को सॉल्व करना है, इस दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, बी प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा 2b, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22000। यानी b का वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 11000, ऐसा ही आ जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए दोनों का, या तो इस p का वैल्यू इसमें रखिए, यहाँ पे 11000 इस तरफ जाएगा, कितना बन जाएगा 9000। यानी जो बुक का कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 11000, पेन का कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 9000। तो आगे से क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इसी हिसाब से करना है, उतना लंबा नहीं करने जाना है। दोनों आर्टिकल्स का डिफरेंस लिखेंगे, जो पहले वाला आर्टिकल्स दिया रहेगा वो, और सेकंड वाला आर्टिकल्स दिया रहेगा उस दोनों का डिफरेंस, इक्वल्स टू में दोनों आर्टिकल्स के जो प्रॉफिट में जो डिफरेंस हो रहा है वो, और जितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाता है आपस में, एक को 9% दूसरा को 13%, उस दोनों का डिफरेंस करके यहाँ पे लिख देना है। इसी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, हमारा ये चीज़ आ जाएगा, इस दोनों को मिलाकर हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।